झा और आप देख रहे हैं आज तक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 3 लोकसभा और 29 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के लिए वोटों की गिनती जारी है। ताजा जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि राजस्थान की दरियावत सीट से कांग्रेस उम्मीदवार ने 21,000 वोटों से जीत हासिल कर ली है। वहीं वल्लभ नगर सीट पर भी कांग्रेस लीड बनाए हुए है, लेकिन सबकी नजरें बिहार की ओर है, जहां पर कुशेश्वर स्थान से जेडीयू और तारापुर से आरजेडी उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। मध्य प्रदेश की सभी 4 विधानसभा सीटों पर बीजेपी प्रत्याशी लगातार लीड बनाए हुए हैं, तो पश्चिम बंगाल में एक बार फिर ममता बनर्जी का जादू चला है। वहां सभी 4 सीटों पर टीएमसी उम्मीदवार जी के बेहद करीब है। असम में एनडीए गठबंधन ने क्लीन स्वीप कर लिया है। बीजेपी 3 सीटों पर आगे है, जबकि सहयोगी यूपीपीएल भी 2 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। रही बात हिमाचल की, तो मंडी लोकसभा सीट पर कांग्रेस बड़ी बढ़त बना चुकी है, जबकि 3 विधानसभा सीटों पर भी कांग्रेस उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। 3 लोकसभा सीटों में से एक दादर नगर हवेली से शिवसेना उम्मीदवार आगे है, जबकि मध्य प्रदेश के खंडवा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी की बढ़त है। तो आपको हम बता दें कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले आज बड़ा दिन है। देश में 30 अक्टूबर को 3 लोकसभा और 29 विधानसभा सीटों पर वोट डाले गए थे, और अब आज उसी उपचुनाव के नतीजे आने वाले हैं। साहब की सुनो, बात सुनो साहब। ये देखिए, आपको हम फिलहाल जो तस्वीरें सामने आ रही है वो हम दिखा रहे हैं, और ये तस्वीरें आपको हम नॉर्थ 24 परगना की दिखा रहे हैं। अगर हम आपको बात करें पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल पर सभी सीटों पर टीएमसी आगे चल रही है, और इसे जीत मानते हुए, क्योंकि जितना बड़ा मार्जिन है उसे देखते हुए ऐसा लग रहा है कि टीएमसी की जीत जो है वो वहां पर सुनिश्चित है, निश्चित है, और इसी वजह से वहां पर ढोल नगाड़े भी बज रहे हैं। और देखिए, अबीर गुलाल जो है वहां पर उड़ाया जा रहा है, और ऐसा लग रहा है कि पहले, क्योंकि ममता बनर्जी ने जीत की बधाई एक तरह से दे दी है पहले ही, और जो खबरें आ रही है ये देखिए किस तरह से एक दूसरे को अबीर और गुलाल यहाँ पर लगाया जा रहा है। सूर्याग्नि खरदा से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, शरद जयपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और साथ ही साथ हमारे एक और संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले शरद, आपसे हम जानना चाहेंगे, माफ करिएगा शरद आपके पास आए, लेकिन सबसे पहले हम चलेंगे, देखिए अबीर गुलाल और ये चेहरे पर जो हम देख रहे हैं खुशी, ये सीधे पश्चिम बंगाल हमें लिए चलती है सबसे पहले, इसलिए हम वही जाएंगे। अब यहाँ सूर्याग्नि हम पहले ही देख रहे हैं अभी, हालांकि नतीजे आने में शायद थोड़ा बहुत वक्त बचा हो, लेकिन जीत ऑलरेडी मान चुकी है टीएमसी, और उसी का जश्न भी मनाया जा रहा है। जी हाँ बिल्कुल श्वेता, जैसे आपने कहा कि, लेकिन एक बात हम बता दें कि 3 सीटों पर फाइनल काउंटिंग हो चुकी है, और उन 3 पर यानी कि दीनहाटा, खरदा और गोसाबा में तृणमूल के कैंडिडेट्स जो हैं वो उन्होंने एक मैसिव लीड बरकरार रख के, उन्होंने ये हम कह सकते हैं कि वो 3 सीट जो है उन तृणमूल ने जीत ली है। शांतिपुर में अभी भी काउंटिंग चल रही है, लेकिन वहां पे और कुछ 2-3 राउंड के बाद ये समझ में आ जाएगा किसने जीता है, लेकिन अभी भी तृणमूल के पास ही मैसिव लीड है शांति पुर सीट में। यहाँ पे खरदा के अगर हम नजारे दिखाएं आपको, लोग यहाँ पर पूरे एक्साइट हैं, क्योंकि उन्होंने कैंडिडेट जो भवानीपुर से, भवानीपुर की सीट जोड़कर वो आए थे, वो हम कह सकते हैं कि जीत चुके हैं, और एक मैसिव मार्जिन से उन्होंने जीती है, 90,000 प्लस वोटों से यहाँ पर शोभनदेव चैटर्जी ने चुनाव यहाँ पे जीता है। भवानीपुर से आए थे, ममता बनर्जी के लिए सीट वेकेट कर दिया, तो हम कह सकते हैं कि तृणमूल 3 तो जीत चुकी है, एक और सीट वो जीतने के कगार पर है। श्वेता, बिल्कुल हम तस्वीरें देख रहे हैं और जीत की खुशी है, जाहिर सी बात है वो दिख रही है। हम रवीश के पास चलेंगे भोपाल, लेकिन उससे पहले हम आपको शिवराज सिंह चौहान क्या कह रहे हैं जरा ये सुनवाते हैं। जनता का प्यार और आशीर्वाद मोदी जी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और केंद्र सरकार ने, आदरणीय मोदी जी ने जो विकास के काम किए उनको, लोगों का आशीर्वाद उन कामों को मिल रहा है। हमने भी प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विकास और जन कल्याणकारी योजनाएं जो लागू की है आम जन के लिए, समाज के हर वर्ग के लिए, तो जनता का प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है।
अभी प्रारंभिक रुझान है, लेकिन रुझानों से स्पष्ट हो रहा है कि लोग भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दे रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में आपको बता दें, 3 विधानसभा सीटों पर यहां पर उपचुनाव हुए थे। सीधे चलते हैं रवीश के पास। रवीश, शिवराज सिंह चौहान ने साफ कह दिया है कि ये जो बढ़त हम देख रहे हैं या फिर जीत की ओर जो बढ़ रहे हैं, उन सब के पीछे प्रधानमंत्री, उनकी सोच और उनकी कार्यशैली। जी बिल्कुल, इस पूरे उपचुनाव में, क्योंकि आपको बताया श्वेता कि कांग्रेस ने एक तरीके से निशाना साधा हुआ था पूरी भारतीय जनता पार्टी पर तीन वजहों से। पहला था मध्य प्रदेश में बीते 1.5 सालों में जो कोरोना काल के दौरान मध्य प्रदेश में अव्यवस्था रही थी, वो आरोप लगाया था कांग्रेस ने। खाद का संकट जो चुनाव से ठीक पहले उठा था, कोयले का संकट उठा था और महंगाई, ये 5 ऐसे बड़े मुद्दे थे जिसको लेकर के लगातार कांग्रेस घेर रही थी भाजपा को, और ये मान के चला जा रहा था कि इसका व्यापक असर जो है चुनाव में देखने को मिल सकता है। हालांकि आमतौर पर उपचुनाव के जो नतीजे आते हैं वो काफी तक निर्भर करता है सरकार किसकी है। राजस्थान में जैसे कांग्रेस को बढ़त मिल रही है, भारतीय जनता पार्टी यहां पे ले जा रही है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है निकल के सामने आएगी मध्य प्रदेश से, वो ये कि 4 सीटों में से 1 सीट ऐसी है जो रैगांव सीट पे भाजपा भी पीछे चल रही है, और अगर यहां भाजपा हारती है तो ये भाजपा के लिए थोड़ी चिंता की बात हो सकती है, क्योंकि 31 साल के बाद ऐसा होगा जब भारतीय जनता पार्टी रैगांव सीट हारेगी। जुगल किशोर बागरी वहां से भाजपा के विधायक भी रह चुके हैं, मंत्री रह चुके थे, उनके निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी। फिलहाल जो वहां से प्रत्याशी हैं भाजपा की, प्रतिमा बागरी, वो अब पीछे चल रही हैं। कल्पना वर्मा जो कांग्रेस की प्रत्याशी है काफी आगे चल रही है। तो भले इन 4 सीटों में से 3 पे भाजपा जीत की ओर बढ़ती हुई साफ तौर पर दिख रही है, लेकिन हाँ, रैगांव में भाजपा के लिए बुरी खबर है। लेकिन मुख्यमंत्री साफ कर चुके हैं कि अगर हम 3 सीटें भी जीत रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो ये दर्शा रहा है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने बीते 1.5 सालों में जो काम किए हैं मध्य प्रदेश में, उस पर अब जनता अपनी मोहर लगा रही है, बावजूद इसके कि कांग्रेस की तरफ से लगातार इन्हीं तमाम चीजों पर निशाना साधा जा रहा था। बिल्कुल, सीधे चलते हैं अब हम शरद के पास, जयपुर। शरद, यहाँ पर राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर 2 सीटों पर, देखिए आपको हम ब्रेकिंग भी बता रहे हैं, 3 लोकसभा और 29 विधानसभा सीटों के लिए मतगणना अभी भी जारी है, जिसमें हालांकि बात करें अगर हम इन टोटल, तो राजस्थान में 1 सीट पर, एक बार फिर से आपको हम ब्रेकिंग दिखाते हैं, राजस्थान में 1 सीट पर कांग्रेस की जीत हो चुकी है और 1 पर कांग्रेस आगे चल रही है। यहां पर दरअसल 2 ही सीटों पर यहां पर उपचुनाव हुए थे, जिसमें 1 पे कांग्रेस जीत गई है और 1 पे आगे चल रहे। बिहार के कुशेश्वर स्थान में 1-1 सीट, यानी कि 1 जेडीयू 1 आरजेडी के पास है। पश्चिम बंगाल में सभी 4 सीटों पर टीएमसी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी सभी 3 विधानसभा सीटों पर आगे है। शरद के पास सीधे चलते हैं। शरद, राजस्थान में देखिए, राजस्थान में 2 विधानसभा सीटों पर जो है उपचुनाव यहां पर हुए थे। यहां पर जीत और हार से ज्यादा यहां बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि बीजेपी जो है वल्लभ नगर, अगर विधानसभा सीट की बात करें तो यहां पर थोड़ा पीछे या मार्जिन से पीछे होने एक अलग बात होती है। यहां पर लगभग 4थे स्थान पर बीजेपी नजर आ रही है और दूसरा जो धारियावाड़ सीट है यहां पर 3रे स्थान पर है। तो ये करारी हार की तरफ बढ़ती हुई बीजेपी एक तरह से यहां पर। बिल्कुल सही कहा आपने, मैंने 20 सालों में इस तरह से बीजेपी को इतनी बुरी हार नहीं देखी कि 1 सीट पर 4थी स्थान पर, इतिहास में शायद पहली बार 4थी स्थान पर आ रही है जब से बीजेपी यहां पर चुनाव लड़ रही है, और 3रे स्थान पर आ रही है उस सीट पर जो उनकी सीट थी धारियावाद। दोनों जगह पर कांग्रेस की बम्पर जीत दिखाई दे रही है। इसकी वजह यह रही है कि इस बार सचिन पायलट और अशोक गहलोत साथ मिलकर यहां पर चुनाव में रहे हैं, नॉमिनेशन भी साथ करने गए थे और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने से प्रतिष्ठा का सवाल बना रखा था। लगातार वो उपचुनाव में 4-4 सभाएं करके आए थे उसके बाद। लेकिन बीजेपी के घर के अंदर का झगड़ा इतना ज़्यादा है, आपको पता है वसुंधरा राजे किनारे रखी हुई हैं। वसुंधरा राजे का फैक्शन जो है वो इस चुनाव में पीछे से काम कर रहा था। माना जा रहा है कि जो असंतुष्ट थे रणधीर सिंह भिंडर, जो दूसरे स्थान पर हैं वल्लभ नगर में, वो वसुंधरा राजे करीबी हैं। जो वसुंधरा राजे के दूसरे करीबी विधायक थे जिनके देहांत होने के बाद उनके बेटे कन्हैया लाल मीणा टिकट मांग रहे, उनका टिकट काट दिया गया था, वहां पर भी उस लसाड़िया इलाके से बीजेपी को हार मिली है। तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि बीजेपी के घर के अंदर का झगड़ा बीजेपी को इतनी बुरी शिकस्त यहां पर दी है। लेकिन कांग्रेस में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत निश्चित रूप से मजबूत होकर निकलेंगे, और जिस तरह से सियासी झगड़ा राजस्थान में चल रहा है, कहीं ना कहीं उन्हें यह कहने में दिल्ली दरबार में मजबूती होगी कि मुझे फ्री हैंड दिया जाए, क्योंकि उनके भी और सचिन पायलट के अंदर टसल काफी ज्यादा है। फिलहाल कांग्रेस 1 सीट जीत गई है और दूसरे पर बड़े मार्जिन से आगे है, इसलिए दोनों ही सीटें कांग्रेस के पक्ष में जाती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल, चलते हैं अलाहाबाद से, हमारे संवाददाता ललित शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ललित, आपके पास क्या अपडेट?
फिलहाल श्वेता, अगर अपडेट की बात करें तो 13वां जो राउंड है वो कंप्लीट हो चुका है और अभय सिंह चौटाला जो इनेलो पार्टी से है वो 5500 की लीड बनाए हुए हैं। जरूर लास्ट के 3 से 4 राउंड में कांटे का मुकाबला देखने को मिला था, जहां पर 8वें राउंड तक अभय सिंह चौटाला लगभग 9000 के आसपास वोटों से आगे चल रहे थे, लेकिन जैसे ही शहरी ईवीएम खुली उसके बाद से जो मार्जिन है वो घटकर एक बार 2995 के आसपास रह गया। लेकिन एक बार फिर से पिछले 2 राउंड में जो लीड है उनको बरकरार रखते हुए अब जो आंकड़ा है वो बढ़कर है वो 5500 के आसपास हो गया है और सिर्फ अब 3 राउंड बाकी है। और अब से थोड़ी देर पहले अभय सिंह चौटाला है वो मीडिया से भी रूबरू हुए, साफ तौर पर उन्होंने आरोप है वो भाजपा जेजेपी पे लगाए हैं और कहा है कि जिस तरह से हॉर्स ट्रेडिंग इन चुनाव में हुई है वैसी हॉर्स ट्रेडिंग उन्होंने कभी नहीं देखी। लेकिन अगर इस चुनाव की खास तौर पे बात करें तो ये चुनाव है किसानी आंदोलन के ऊपर, ये चुनाव है वो लड़ा गया था जिसके बाद अभय सिंह चौटाला ने सीट को छोड़ दिया था और खास तौर पर जो जाट वोटर्स है वो कहीं ना कहीं बढ़ते हुए जरूर नजर आए हैं। दावा अभय सिंह चौटाला की तरफ से किया जा रहा था कि करीबन 30,000 के मार्जिन से वो सीट को जीतेंगे, लेकिन जिस तरह से चौटाला परिवार के अंदर खुद की अंदरूनी लड़ाई, उसके साथ साथ भाजपा ने जिस तरह से गोविंद कांडा को मैदान पे उतारा, तो निश्चित तौर पे जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय हो गया। लेकिन अभी भी अभय सिंह चौटाला है वो 5500 वोटों से जीत रहे हैं, लेकिन दूसरे नंबर पर भाजपा जजपा और तीसरे नंबर पर कांग्रेस के प्रत्याशी पवन बेनीवाल है। और आने वाले जो पंजाब विधानसभा चुनाव है और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव है, निश्चित तौर पे इन चुनावों का जो रिजल्ट है वो इन दोनों कहीं ना कहीं वो देखने को मिलेगा। बिल्कुल रोहित हमारे संवाददाता हमारे साथ बिहार से पटना से जुड़ चुके हैं, उनसे हम जानकारी लेंगे। लेकिन अगर बिहार की बात करें रोहित, तो यहाँ पर एक तो 6 साल बाद लालू प्रसाद यादव को हमने सुना और देखा, तो चलिए पहले उनको सुन लेते हैं एक बार फिर से, उसके बाद आपके पास आती हूँ। गिनती हो रही है, आपका क्या कहना है? तेजस्वी जी पहुंचे हुए हैं वहाँ पर दरभंगा, भाई को भेजे हैं वहाँ जी। जीत होगी आप लोग की दोनों सीट, और हमारे संवाददाता रोहित सिंह हमारे साथ बने हुए हैं। रोहित, बिहार की अगर बात करें, 2 सीटों पर यहाँ पर उपचुनाव हो रहे थे, एक में आरजेडी आगे है, एक में जेडीयू आगे है। फिलहाल वहां पर आपको क्या लग रहा है, कितना मार्जिन और लालू प्रसाद के आने का क्या फायदा होगा वाकई, और नीतीश को नुकसान? देखिए श्रद्धा, इस वक्त मैं दरभंगा में मौजूद हूं जहां पर कुशेश्वर स्थान सीट के लिए जो है गणना चल रही है और 23 राउंड की काउंटिंग यहां पर होनी है। 20 राउंड की जो काउंटिंग है वो पूरी हो चुकी है, जिसके बाद जेडीयू ने अपनी बढ़त को बढ़ा लिया है और 11,800 की लीड जो है इस वक्त जेडीयू के पास हो चुकी है। तो यानी ये अच्छी खासी लीड है और बस 3 राउंड की काउंटिंग बाकी है। तो यहाँ ये कहा जा सकता है कि जेडीयू जिसके पास ये पहले से ये सीट थी वो ये रिटेन सीट को कर सकती है, क्योंकि अभी तक की जितने जो रुझान आए हैं और क्योंकि 11,500 से भी ज्यादा का जो है इस वक्त लीड है जेडीयू के पास। लेकिन मुश्किल भरी खबर जेडीयू के लिए तारापुर में हो सकती है, क्योंकि तारापुर में कांटे की टक्कर चल रही है। वहां पर आरजेडी सुबह से ही लगातार लीड बनाकर अपना रखा हुआ है और वहां पर तकरीबन 16 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है, जिसके बाद 14 राउंड की काउंटिंग हुई है, जिसके बाद 3600 के मार्जिन से आरजेडी उम्मीदवार वहां पर लीड कर रहे हैं। तो वहां पर कांटे की टक्कर है और तारापुर को लेकर जो है अब राजनीति भी शुरू हो गई है, क्योंकि आरजेडी की तरफ से एक ट्वीट आया है और सीधा आरोप लगा दिया गया है यहाँ सरकार के ऊपर कि सरकार जानबूझकर वहां पर काउंटिंग को धीमे तरीके से करवा रही है, क्योंकि वहां पर 29 राउंड की काउंटिंग होनी है और ताकि देर रात तक काउंटिंग चले, जिसका फायदा सरकार को मिल सकता है। तो इस तरीके के आरोप भी लगाने जा रहे हैं आरजेडी के तरफ से। लेकिन कुशेश्वर स्थान मुझे लगता है कि मामला बिल्कुल क्लियर हो चुका है, बस ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन की बस यहां पर अब देरी है, लेकिन मामला फंसा हुआ है तारापुर में, जहां पे आरजेडी और कांग्रेस जेडीयू के बीच में कांटे की टक्कर चल रही है। चलिए सुन लेते हैं जेडीयू और आरजेडी के नेता ही क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, सूचना मिल रही है कि धांधली लोग हो सकता है करेंगे, तो पिछले चुनाव में आपने देखा होगा पूरे देश दुनिया ये जानती है कि किस प्रकार से जनादेश का चोरी हुआ। किसी से भी अगर पूरे देश में पूछिए तो सब लोग बता देंगे कि बड़ी बेईमानी हुई। तो देश की जनता और बिहार की जनता नीतीश जी के चरित्र को अच्छी तरीके से पहचान चुकी है और सूचना मिल रही है कि भाई सरकारी कर्मचारी
तो डरे रहते हैं, नौकरी का खतरा रहता है। इस बार जो काउंटिंग में जिसको लगाया गया है ड्यूटी, ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्चुअल है, यानी संविदा वाले हैं, तो हमारी नज़र तो हर एक तरफ है। पिछले बार जो इन लोगों ने बेईमानी की, इस बार किसी भी हालत में बेईमानी हम करने नहीं देंगे। देखिए, जनता दल यूनाइटेड ने काम किया है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में विकास परक एजेंडा के लिए जानी जाती है, और शायद इसीलिए ये चुनाव एक तरफा है। दोनों ही निर्वाचन क्षेत्रों में जो जमीनी सच्चाई है वो यही है कि एनडीए के दोनों ही उम्मीदवार अर्थात जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार चुनाव जीत रहे हैं। रोहित हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। रोहित, लगातार वहां जो है काउंटिंग की प्रक्रिया चल रही है, ऐसे में लगभग कितना और वक्त लगेगा जबकि नतीजे जो है बिल्कुल साफ हो जाएंगे, स्पष्ट हो जाएंगे? देखिए श्वेता, जहां तक कुशेश्वर स्थान की बात है तो मुझे लगता है अगले आधे घंटे से एक घंटे के बीच में स्थिति बिल्कुल साफ हो जाएगी और हो सकता है कि आधिकारिक यहां पर घोषणा भी हो जाए कि किसकी जीत यहां पर होती है। लेकिन मामला जैसा कि मैंने बताया तारापुर में फंसा हुआ है, क्योंकि वहां पर अभी भी 17 राउंड की काउंटिंग जो है वो बाकी है, यानी कि देर रात तक जो है वहां पर वोटों की गिनती चलती रहेगी।